जयकारा पौणाहारी बाबा जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा जी नू प्यार करन वाली संगते बोलिए साचे दरबार की जय। अपने घर के मंदिर में शक्तियों को कैसे जागृत करें, जो हमारे घर में हमने छोटा सा स्थान या मंदिर बनाया होता है, हम वहाँ पे शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं, हमारे घर में शक्तियाँ क्यों नहीं प्रवेश करती, इसका क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण, हम श्रद्धा अनुसार प्रेम भाव से भगवान की पाठ पूजा नहीं करते। सबसे बड़ा कारण ये, जब ज्योति जलानी हो, दिया जलाना हो, धूप जलाना हो, माला फेरनी हो, एकदम प्रेम से करना है। प्रियर, ये मैंने करना है, मेरी ड्यूटी है। जैसे सुबह लोग ड्यूटी जाते हैं, 8 बजे निकलते हैं, बोले हमने पहुंचना ही पहुंचना है 8 बजे, वैसा ही भाव होना चाहिए। हमने नियम अनुसार करना है, इतने बजे हमने पाठ पूजा करनी है, तब भगवान के तत्व आने शुरू हो जाएंगे। जब हम प्रेम भाव से भगवान की आरती अरदास माला से वर्णन करेंगे, तो भगवान के तत्व आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे घर में भी वैसा ही बदलाव आएगा। और सबसे एक बड़ी अहम बात, जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, उसके दर्शन कर जरूर जाना है, उसके दर्शन करने के लिए जरूर जाना है। वहां से आपके साथ सैकड़ों ही तत्व आ जाएंगे। फिर देखना आप, ऐसा नहीं है कि एकदम आ जाएंगे, भी 100% एकदम आपके जो इष्ट को मानते हैं वो तत्व आपके घर में पहुंच जाएंगे। मंदिर जाना स्टार्ट करिए, मंदिर से आपके साथ सैकड़ों तत्व आएंगे। जैसे बाबा जी हैं, 9 नाथ हैं, 84 सिद्ध हैं बाबा जी के साथ, बाबा जी खुद नहीं आएंगे, उनके तत्व आते हैं, उनके अंश आते हैं, वो स्वयं उन्हीं का रूप होता है। और जो भी देवी देवता आपको आप मानते हो, उनके अंश तत्व आते हैं, वो स्वयं उन्हीं का रूप होते हैं, वो स्वयं भगवान होते हैं। तो मंदिर से ज्यादा कृपा होती है। और आप दिया, ज्योत, धूप, माला, जो भी आप अपने घर में करते हो, नियम अनुसार करना है, क्रोधित होके नहीं करना है। फिर देखना, आपके घर के मंदिर के अंदर वो शक्तियां जागृत होने लगेंगी और आपके ऊपर इतनी इतनी कृपा होगी भगवान की, तो आपको स्वयं महसूस होगा कि वाकई मैंने इस पाठ पूजा को नियम अनुसार करा है। वो तत्व आने शुरू हो जाएंगे, वो शक्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आप भी भगवान की कृपा पा सकते हो।